तरीके हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो जब तक अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाते उनको चैन नहीं पड़ता है ना। वो रोज अखबार लेके बैठते हैं, अखबार के नोट्स भी बनाते हैं 3 घंटे में, जबकि वही नोट्स वेबसाइट पर होते हैं। पर जब तक अपने हाथ से नहीं बनाएंगे उनको चैन नहीं पड़ता है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको चैन नहीं पड़ता अपने हाथ से नोट्स बनाए बिना? ऐसे लोगों की संख्या 3। भले ये लोग बता कम रहे हैं, होंगे ज्यादा शर्मा रहे होंगे ना कि अगला वाक्य पता नहीं क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा, तनाव ना लें, खुल के कहें। और कितने लोग अगर नोट्स रेडीमेड मिल जाए तो अलग से नोट्स बनाने की इच्छा नहीं रखते, काम चला लेते हैं। बहुत बढ़िया, आप ही लोग ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे क्योंकि अपना टाइम बचा लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। तो सबसे पहले पेंसिल हाथ में लेके नोट्स को पढ़िए अंडरलाइन करते हुए। तो पहली बार में क्या होगा, नए विद्यार्थी को हर लाइन महत्वपूर्ण लगती है, तो सारा ही अंडरलाइन हो जाता है, बीच बीच में और तथा छूटता है सिर्फ बाकी सारा। तनाव मत लीजिए, शुरू में ऐसा ही होगा, कोई खास बात नहीं, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा। जब उसकी रिवीजन करें पहली बार तो पेन हाथ में लेके कीजिए, इस बार पेंसिल की तुलना में कम अंडरलाइन होगा क्योंकि आपको चीजों का आइडिया होना शुरू हो जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कुछ चीजें बहुत बेसिक सी हैं, खास बात नहीं है। जो ध्यान रखने वाली बात है वो सिर्फ इतनी है। और तीसरी बार जब करने का मौका मिले, 1-2 महीने बाद जब भी मिले, हाइलाइटर यूज कीजिए। और हर प्रश्न में, जैसे मैं आपको ये बताऊं, मुझे कल ये नोट्स आए के जो आपको दिए गए, तो मैंने आज सुबह और कल रात को उसको पढ़ा एक बार, तो मैंने उसको ऐसे पढ़ लिया कि जो जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको हाईलाइट करके देखा कि ये बातें नोट्स में दी गई हैं, तो ये बातें क्लास में एक्सप्लेन हो जानी चाहिए। अब मुझे अगर ये हिस्सा पढ़ना हो तो मुझे उसमें 4 लाइन तो ये, क्योंकि इसमें कथन है, एडगर एलन पो का कथन है, और बाकी कुछ कुछ जैसे नैतिक शिक्षा, बस नैतिक शिक्षा पढ़ते ही मैं पूरा पैराग्राफ समझ गया कि कथा का उद्देश्य नैतिक शिक्षा है, उससे लिंक करके सारी बातें बतानी है। अगर आप इस तरह से पढ़ने में कंफर्टेबल हैं, जैसे मैं तो ऐसे पढ़ता हूं, पर वो सबका अपना अपना स्टाइल है, तो ये आपके नोट्स पर्याप्त हो गए, उसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। और फिर भी मन करे तो ऐसे कर लेने के बाद चौथी बार में इस पूरी टिप्पणी के जो महत्वपूर्ण 3-4 पॉइंट्स हैं साइड में नोट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4 हो गया, यही आपके नोट्स हैं। अगर लगता होगी परीक्षा के समय सारे नोट्स कैरी करना मुश्किल होगा तो कोई बात नहीं, एक रजिस्टर बना लीजिए अपना अलग से, उसमें पहला टॉपिक कहानी का परिचय, उसमें जो 3-4 पॉइंट्स नोट करने थे यहां पर उसमें कर लीजिए, सारे उसी में करते जाइए। तो अंत में क्या होगा, एक छोटा सा रजिस्टर है, उसे पूरा हिंदी साहित्य है।